जैसा कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब कल नहीं उससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था हमने ऑक्सिन और जिबरेलिन। देखिए साइंटिस्ट के नेम राइन करने की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके कुछ फुल फॉर्म्स और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ध्यान रखिएगा। आज हम शुरू करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन को सबसे पहले जी हेवरलैंड ने 1983 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया था उन्होंने फ्लोएम के कुछ प्लांट्स के कुछ फ्लोएम में, जहाँ पर वो सेल डिवीजन में मदद कर रहा था, फ्लोएम के सेल डिवीजन में। फिर लेटर उसके बाद में जे वैन ओबरवीकनर 1941 में कहा कि जो कोकोनट वाटर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसके उसके फ्री न्यूक्लियस डिवीजन में मदद करते हैं। ध्यान रखना कोकोनट का वाटर आप जो पीते हो ना, दैट इज नथिंग, इट इज अ फ्री न्यूक्लियस वाटर। स्कूक एंड मिलर ने सबसे पहले एक ईस्ट की सेल से, मतलब जहाँ पे देखने का ये साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन में मदद करता है हर जगह, तो ईस्ट के जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उन्होंने वहाँ पर उसको एक सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जो सेल डिवीजन में मदद कर रहा था, उसको काइनेटिन बोला। फिर लेथम ने उस काइटिन को 1963 में साइटोकाइनिन बोला। लेथम और मिलर ने ही एक दूसरे सब्सटेंसेस को, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को मेस से आइसोलेट किया, एक मेस के एम्ब्रियो से आइसोलेट किया जिसको हमने जिएटिन बोला। फिर जिएटिन वाज द फर्स्ट साइटोकाइनिन था जिसको नेचुरली निकाला गया। साइटोकाइनिन बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोज जब होता है उसके न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोजिशन से साइटोकाइनिन को बनता है। तो क्या होता है कि इसलिए जो आप देखोगे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये एमिनोप्यूरिन्स होते हैं, मतलब जो आपके साइटोकाइनिन्स होते हैं एमिनोप्यूरिन्स होते हैं, एमिनोप्यूरिन्स ध्यान रखिए जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे एमिनो ग्रुप पाया जाता है और जिसके अंदर फर्फ्यूरिल रिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखोगे तो ये जो दिख रहा है आपको ये फर्फ्यूरिल रिंग है और ये देख रहे हो ये अमीनो प्यूरिन रिंग है, ठीक है, जो प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो ग्रुप तो पहले से प्रेजेंट रहता है। तो नेम ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइड साइटोकाइनिन इज अ 6 फर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, मतलब जो जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड साइटोकाइनिन है वो आपका 6 फर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन था। ध्यान रखने ऐसा कोई ध्यान रखने के स्ट्रक्चर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट पार्ट द प्लांट वेयर द सेल डिवीजन अकर, मतलब जो साइटोकाइनिन का जो साइटोकाइनिन का जो सिंथेसिस है प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत डेवलप होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि यंग स्टेम होती है, यंग रूट्स होती हैं, यंग फ्रूट जब बनने होते हैं तो वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन होता है साइटोप्लाज्म के जो टीआरएनए होता है उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है। ये सेल डिवीजन साइटोकाइनिन के कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जैसे कि सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, एपिकल डोमिनेंस की प्रिवेंसी, डोमिनेंस को डिस्ट्रॉय करना, सेंसेंस जो सिनेसेंस है उसको डिले करना, ठीक है। देखिए बहुत सारे इसके जो इफेक्ट हैं, ये साइटोकाइनिन के बहुत सारे इफेक्ट आपको ऑक्सिन और जिबरेलिन के कुछ अपोजिट भी दिखाई देंगे। सबसे पहला सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि जो साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ध्यान रखना कि आपका जैसे कि आप जैसे एपिकल था, एपिकल भी यही कर रहा था, जिबरेलिन का भी यही काम था जो कि सेल डिवीजन में मदद कर रहा था, तो ये भी यही काम करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। सेल इलोंगेशन, आपके सेल इलोंगेशन को मदद करता है साइटोकाइनिन के इफेक्ट से, आपके रूट तंबाकू की जो रूट है वो 4 गुना ज्यादा अपने आप को इलोंगेट कर सकती है। अभी सेल इलोंगेशन कैसे होता है, मैंने बताया था सेल जब लगातार डिवाइड होती रहती है तो जो डिवाइडेड पार्ट होता है वो उसके पुराने पार्ट से जुड़ जाता है और सेल अपने आप इलोंगेट हो जाती है, ओके। ऑक्सिन क्या, साइटोकाइनिन क्या होता है कि ऑक्सिन और इथिलीन की प्रेजेंस में अपने आप को ज्यादा एग्जिबिट करता है। ध्यान रखना ऑक्सिन और इथिलीन, इथिलीन इतने गैसेस हार्मोन है, तो अगर आप ऑक्सिन की प्रेजेंस में, जैसे ऑक्सिन का काम भी सारा इलोंगेशन ही होता है, तो जब आप इसको ऑक्सिन की प्रेजेंस में इसको आप साइटोकाइनिन को यूज करोगे तो साइटोकाइनिन अपने आप को ज्यादा एग्जिबिट करेगा। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन वे भी इसके थ्रू अफेक्टेड होता है। इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द प्लांट अलॉन्ग विद द ऑक्सिन, मतलब जो सेल का डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि जैसे कि एक होता है ना, एक इनिशियल जो पार्ट होता है जिसमें सेल का एक ग्रुप होता है जिसमें ना उसका शूट, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा सेल का एक कह सकते हैं सेल का एक ऐसा बंच जिसमें ना प्लूमिनल का पता है ना शूट अपेक्स का कहाँ से पता होगा नहीं पता, रूट अपेक्स का कहीं नहीं पता, तो सेल का एक जस्ट बंच होता है, ठीक है। अगर आप उसको साइटोकाइनिन देंगे तो आप उसके सेल डिफरेंशिएट को कर सकते हैं, उसमें सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उसे प्लूमिनल को अलग कर सकते हैं, रेडिकल पार्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द प्लांट अलोंग विद द ऑक्सिन, तो बेसिकली अगर आप मतलब ऑक्सिन के साथ में इसके बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जैसे साइटोकाइनिन को अगर आप ज़्यादा दें और ऑक्सिन को कम करेंगे
तो उससे क्या होगा, स्टेम फॉर्मेशन होगा, और वैसे ही अगर आप उसका उल्टा कर दें तो उस केस में रूट फॉर्मेशन होगा। तो आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक मिक्स सॉल्यूशन अगर आप देंगे तो आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ हाई शूट, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा आपको शूट लंबा चाहिए तो आप क्या करोगे, आप ऑक्सिन को ज़्यादा दो, सॉरी साइटोकाइनिन को ज़्यादा दोगे और ऑक्सिन को कम करोगे। जैसे कि डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें हम चाहते हैं कि जो शूट अपेक्स होता है वो छोटा ही रहे और रूट अपेक्स ज़्यादा अंदर तक जाए, जिससे कि ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में अगर आपको शूट और रूट अपेक्स का जो शूट और रूट का जो रेशियो है, ध्यान रखना, शूट और रूट का जो रेशियो है उस रेशियो को एक से ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑक्सिन के अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम सेल डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब जैसे कि याद करना, हमने बताया था ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो अपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। हम क्या करते हैं कि एपिकल डोमिनेंसी ना करे तो हम क्या करते हैं, उसके शूट टिप को कट कर देते हैं। जब आप शूट टिप को कट करते हो तो क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस निकलने लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम शूट टिप कट ना करें तो आप क्या कर सकते हो, आप साइटोकाइनिन हार्मोन दे दीजिए। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करेगा, उसके एपिकल डोमिनेंसी को खत्म करेगा और लेटरल ब्रांचेस उससे निकलने लगेंगी। ठीक है, डोमिनेंसी को अगर खत्म करना है, जैसे कि जो ऑक्सिन था वो डोमिनेंसी को बढ़ा रहा था, अगर आपको डोमिनेंसी खत्म करनी है तो आप ये साइटोकाइनिन दे सकते हो, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जैसे कि जो एजिंग है, अगर आप उसको डिले करना है, आप चाहते हो कि प्लांट के अंदर एजिंग लेट आए, तो आप क्या करोगे कि आप जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन है उसको आप स्लो कर दीजिए। जैसे आप स्लो करोगे, जो सीनेसेंस होगा, जो एजिंग होगी, अपने आप डिले हो जाती है। तो इस तरह के साइटोकाइनिन के इस तरह के इफेक्ट को हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। इथिलीन इज अ गैसेस हार्मोन, ध्यान रखना ये गैसेस हार्मोन है, लेकिन ये एक्चुअली सेल इनहिबिटरी हार्मोन्स है, लेकिन आपके बुक के अंदर इसको प्रोमोटर हार्मोन्स में दिया गया है तो उसके हम वहीं स्टडी करते हैं। ध्यान रखना इथिलीन है तो इथिलीन क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुआ। अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि इथिलीन के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड। सबसे पहले उसको आर गेनिन ने 1934 में इसको प्रूफ किया था कि इथिलीन जो होता है वो गैसेस हार्मोन होता है। रिमेनिंग जो आपने पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपके लिक्विड हार्मोन्स होते हैं, एक्वस हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये आपका गैसेस हार्मोन्स होता है। ये ध्यान रखना, हर प्लांट के पार्ट से इसका सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो आपके मैच्योरिंग प्लांट होते हैं और जो फ्रूट ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा डेवलप होता है। इथिलीन का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गैसेस फ्रूट्स की राइपनिंग, मतलब फ्रूट्स को पकाने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, ये फ्रूट को पकाने के अलावा सब में, मतलब फ्रूट को अगर पकाना है तो इथिलीन आप यूज करोगे तो उसको प्रमोट करेगा। इसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग प्रोसेस है उस सबको इनहिबिट करता है। तो ये ध्यान रखना है जब आपका फ्रूट को मैच्योर करना है, ठीक है, तो उस केस में हम इथिलीन को यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्रूट आपका जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी उसकी राइपनिंग हो जाए, तो आप इथिलीन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्या होता है, लीफ डोमिनेंट बर्ड्स फ्लोवर में हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। जैसे कि आपके जो लीव्स हैं, डोमिनेंट बर्ड्स हैं, फ्लोवर्स हैं, उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन में इथिलीन पाया जाता है। ठीक है, ओके, प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन इंक्रीज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कि एक गैसेस सब्सटेंसेस है। ये स्मॉल होते हैं और वाटर सॉल्यूबल होते हैं, दैट्स वाई क्या होता है कि प्लांट टिश्यूज में, अब सॉल्यूबल होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो आसानी से प्लांट टिश्यू के बीच में जो कॉर्टेक्स होता है, उस कॉर्टेक्स के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, उसमें आसानी से ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इथिलीन इज ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल प्रोडक्शन एंड इथिलीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथोपिन, मतलब ध्यान रखना इथोपिन इज इंपॉर्टेंट है, और 2-chlorophosphoric एसिड। ठीक है, इसका मतलब, इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज अ 2-chloro, दिस इज 2-chloro, ओके, 2-chlorophosphoric एसिड, देखिए फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब आप चाहो तो इथिलीन को आप आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इथिलीन तो वैसे तो नेचुरली प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन आप चाहो तो आर्टिफिशियली भी इसको यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियली अगर आपको बनाना है तो उसका सोर्स क्या होता है, इथोपिन और 2-chlorophosphoric एसिड इसका आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इथिलीन के जो अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपके ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस करता है, फ्रूट की राइपनिंग करता है, फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है, अबेसेशन इसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, सेनेसेंस इसका इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। क्या होता है कि जनरली जैसे कि जो इथिलीन होता है, इथिलीन क्या करता है, ध्यान रखना कि ये जो शूट और रूट की जो हाइट होती है उसकी हाइट की ग्रोथ को कम करता है और वर्टिकल ग्रोथ बढ़ाने में, सॉरी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। मतलब जो वर्टिकल ग्रोथ होता है उसको कम करता है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाता है और एडवेंटिशियस रूट को इंक्रीज करता है। एडवेंटिशियस रूट क्या रूट होती है, वो रूट
जो प्लांट को, जैसे कि जो मेन रूट होती है, जो मेन रूट होती है वो रूट तो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है ये प्लांट को सपोर्ट देने के अलावा अगर कोई अदर फंक्शंस में काम आ रही है, जैसे कि बरगद के पेड़ से जो रूट्स निकले हुए होते हैं, जो देखा आपने बरगद के पेड़ में जो आपके रूट्स, जो प्रॉप रूट्स होती हैं जो कि उसके स्टेम से निकलती हैं, बड़े बड़े रूट्स निकली रहती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, जो कि क्या करती है, क्योंकि बरगद के प्लांट में इतना ज्यादा वो ब्रांच्ड होता है कि उसका रूट भी उसको पूरे प्लांट को संभाल नहीं सकती, तो उसके स्टेम से बहुत सारे प्रॉप रूट्स निकलती हैं जो कि पूरे प्लांट को सपोर्ट देने में मदद करती हैं। तो उसमें अगर अगर इंक्रीज करना हो तो इथ्रिन काम करता है। प्लांट की अगर हॉरिजोंटल ग्रोथ करवानी हो, मतलब हॉरिजोंटल ग्रोथ करवानी है तो उसमें मदद करेगा, केवल यहाँ ये मदद करेगा, उसके अलावा फ्रूट की राइपनिंग करनी हो तो ये इसमें मदद करेगा, मतलब उसको पकाना हो, ठीक है। तो क्या करता है कि मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है इथिलीन, जिससे कि सिक्रेट क्या एक्टिवेट करता है, सॉरी सिंथेसाइज करता है, जनरली एक्टिवेट करता है जिससे कि फ्रूट की राइपनिंग में मदद हो जाए। ओके, कुछ ऐसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, राइपनिंग प्रोसेस के टाइम पे इथिलीन प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी राइपनिंग करते हैं। कुछ ऐसे नॉन क्लाइमेट्रिक फूड भी होते हैं जिसमें आपको अलग से इथिलीन डालना पड़ता है। अगर आपको मान के चलो कि अब ध्यान रखना सारे उल्टे काम करेगा कैसे, अगर आपको फ्लोवर के अंदर, फ्रूट के अंदर, लीफ के अंदर, पता है ना सबसे ज्यादा फ्रूट्स लीफ फ्लोवर में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि एबेक्सेशन को ही बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था, याद कीजिएगा, अगर हमने बताया था ऑक्सीजन के थ्रू हम एबेक्सेशन को कम कर सकते हैं और अब कम कर सकते हो, लेकिन ये एबेक्सेशन की रेट को बढ़ा देता है। सिनेसेंस ये क्या करता है कि ये प्लांट में सिनेसेशन को बढ़ा देता है, मतलब एजी को बढ़ा देता है, जिसके से लीफ येलोइश और फॉल हो जाती है। तो इनिबिटरी हार्मोन सही है, फ्लावरिंग पे इफेक्ट डालता है, इसके अलावा मतलब ये एडवर्स इंपैक्ट डालता है फ्लोवर के ऊपर, जैसे कि जो फ्लोवर्स होते हैं फ्लोवर जो होते हैं क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन मैंगो और पाइनएप्पल के अंदर ये उल्टा इफेक्ट डालता है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं फीमेल फ्लोवर को बढ़ा देता है, ठीक है, तो ये इंक्रीज यहाँ फ्लावर को इंक्रीज करता है। तो ये फीमेल फ्लावर को इसलिए बढ़ाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसे कि तो ये जो प्लांट जिसके ऊपर केवल एक ही फीमेल फ्लावर लगता है उसको हम कहते हैं मोनोसेस प्लांट, यूनिसेक्शुअल फ्लावर होते हैं, जैसे कि कोई दूसरा प्लांट फर्टिलाइज, कोई दूसरे प्लांट का मेल फ्लावर का पोलन इसके ऊपर आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो लाइक उसकी पीढ़ी पीढ़ी बढ़ती रहेगी, जनरेशन बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो आपने अगर देखा हो तो ये लाइक लेटरल, जैसे कि आपने जो पहला देखा था जैसे पहले पाई एक बार ग्रोथ पर इन्फ्लुएंस आना और राइपनिंग और फ्रूट, ये दो अकेले काम है जहाँ पे ये उसे प्रमोट करता है, लेकिन अदर जितने भी अगर आप ग्रोथ रोकोगे वहाँ पे उसको सप्रेस ही कर रहा है। जैसे कि अगर उसके एजिंग को बढ़ाना है तो कर देगा, अब एक्सेसन लेयर बढ़ानी है तो कर देगा, फ्लावरिंग को अगर इफेक्ट करना है तो ये कर देगा, ठीक है। इनिबिटर्स देखिए, वैसे तो आपके बुक में एक ही इनिबिटर है, अदरवाइज इथिलीन इज आल्सो अ काइंड ऑफ द इनिबिटर। अगर आप मेडिकल की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि इथिलीन इज अ इनिबिटर हॉर्मोन्स। फिलहाल अगर आपकी बुक में अगर प्रोमोटर हॉर्मोन्स में नाम दे रखा है तो आप उसको प्रोमोटर ही मान के चलिए, ठीक है। अब ग्रोथ इनिबिटर्स क्या होते हैं, ऐसे हॉर्मोन जो ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। कई बार क्या होता है कि प्लांट की में कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन आती है कि प्लांट, फॉर एन एग्जाम्पल कि प्लांट, अब मान के चलो सिचुएशन एडवर्स है प्लांट को, तो क्या होता है उस सिचुएशन में अगर चाहता है कि कम से कम वाटर का यूटिलाइजेशन हो, कम से कम कहते हैं जब कंडीशन खराब होती है तो हम कोशिश करते हैं कि कम ही चीज़ों को उपयोग में लें, यूज करें जैसे कि ज़्यादा सेविंग कर सके, तो ये उस चीज़ में मदद करता है, एक्चुअली करता ही मदद है। जैसे कि डोरमेंसी की फेज आ गई तो क्या करेगा, डोरमेंसी की फेज में जो फूड का यूटिलाइजेशन होता है उसको कम कर देगा और बचाने की कोशिश करेगा जितना हो सके। अब वो कैसे, ये ग्रोथ को सप्रेस करता है तो इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल और बैलेंस करने में मदद करते हैं, कि ग्रोथ को कंट्रोल करना हो, ग्रोथ को बैलेंस करना हो तो उसमें मदद करेंगे, दैट्स व्हाई एबेक्सेस एडेड एसिड, एबेक्सेस एसिड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, ये प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट रहता है, झनक नहीं है, नेचुरली रहेगा, देखिए क्या होता है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, किस कंडीशन में, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है। इसको हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं। वेरिंग ने ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन्स को मटेरियल को प्लांट के लीफ से सेपरेट किया था, एसर प्लांट के लीफ से सेपरेट किया था, इस सब्सटेंसेस का नाम उसने डॉर्मेंट डाला था। एडोकिट एंड उसके कलीग्स ने इस सब्सटेंसेस को कोटन के फ्लावर बर्ड से निकाला और उसको एबेक्सेशन कहा। लेटर इट वॉज प्रूव दैट डॉर्मिन एंड एबेक्सेशन आर अ सेम सब्सटेंसेस और उसको एबेक्सेशन एसिड बोला गया। देखिए ना रखना, जो आपको पहले पहले जो आपका नाम था, जो वेरिंग ने जिसको सबसे पहले डॉर्मिन निकाल, डॉर्मिन का मतलब जिस प्लांट को, जब सब्सटेंसेस को निकाला था उसको डॉर्मिन का, एडिकॉट ने जिसको निकाला उसको एबेक्सेशन का, लेटर इट वाज अ प्रूफ कि जो दोनों निकाले गए थे दोनों एक ही हैं उसको एबेक्सेशन एसिड का। इसका फॉर्मूला C15H40O4 होता है और जिसके अंदर 3 आइसोप्यूरिन की रिंग होती है। देखिए
ये तीन आइसोप्यूरिन की रिंग है, 1, 2, 3, ठीक है। और जो आपकी 1, 2, 3 की रिंग होती है जो कि 5 कार्बन की बनी होती है, आइसोप्यूरिन यूनिट जो होता है। अब इसके वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि एबैक्सेसन लीफ को बढ़ाना, मतलब एबैक्सेसन मतलब लीफ अगर पुरानी हो रही है तो उसको ख़त्म करना। पतझड़ में देखते होंगे कि लीफ सारी नीचे गिर जाती हैं तो उसमें यह काम करता है आपका, ठीक है। बर्ड्स की और बर्ड्स और सीड की डॉर्मेंसी फेजेस को बढ़ा देना। एंटी ट्रांसपेरेंट, मैंने याद कीजिए जब आपको बताया था एंटी ट्रांसपेरेंट में, जब आपको एक मैंने थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें बताया था कि जब स्टोमेटा को बंद करना होता है, जब स्टोमेटा को बंद करना होता है तो ये इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एंटी ट्रांसपेरेंट है, ग्रोथ को इनिबिट करता है, सिनेसेंस करता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स की तरह काम करता है। चलिए देखिए बताता कैसे, जब पानी की कमी हो जाती है तो अगर क्या होता है कि अगर आप एबीए सॉल्यूशन मतलब एबैक्सेस एसिड का अगर आप सॉल्यूशन का स्प्रे कर दें तो आसानी से जो लीफ है, इवन यंग लीफ भी उससे डिसोशिएट हो जाती है। इवन पतझड़ के टाइम पे जो आप देखते हो वो एबैक्सेसन एसिड ही करता है, क्योंकि पतझड़ के टाइम पे क्या होता है कि लाइक ऐसे सीजन में क्या होता है कि जो आपका लाइक जो एडवर्स सीजन होता है, इस सीजन में क्या होता है कि कंप्लीट फूड नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कंप्लीट फूड ना मिलने की वजह से ये अपने सारी लीफ को गिरा देते हैं। सो उस केस में एबैक्सेसन मदद करता है, ठीक है। सेम और बर्ड और सीड की डोर्मेंसी में एबीए जो होता है बर्ड और सीड की डोर्मेंसी को इंड्यूस करता है, मतलब डोर्मेंसी को कोशिश करता है कि डोर्मेंसी बढ़े, तो वो क्या करता है कि बर्ड की ग्रोथ में और उसके जर्मिनेशन में वो डिले कर देगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि अगर अगर फिलहाल फूड नहीं प्रेजेंट है तो वो डोर्मेंसी फेज में लाने में ही मदद करेगा। एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है याद कीजिएगा, जो मैंने बताया था आपको एक थ्योरी बताई थी सोडियम पोटेशियम आयन थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी में मैंने आपको बताया था, इसको हम एबैक्सेसन स्टिमुलेटिंग थ्योरी भी बोल रहे थे, उस थ्योरी में मैंने बताया था जब क्या होता है CO2 की प्रेजेंस में, CO2 जब आसपास होता है तो वो क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे H2CO3 बनाता है, जिससे तो गार्ड सेल का pH भी कम हो जाता है और वाटर की कमी हो जाती है। उस केस में लीफ क्या होती है एबैक्सेसन हार्मोन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है एबैक्सेसन हार्मोन की रिलीज होने की वजह से आपका जो स्ट्रोमेटा होता है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें मदद करते हैं कि स्ट्रोमेटा को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि पहले ही पानी नहीं बचा तो पानी वैसे ही कम है, तो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि वाटर का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाए। ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, अगर सेल डिवीजन को ग्रोथ को रिबिट करना हो, सेल डेवलपमेंट को ब्लॉक करना हो तो एबीए काम करता है। तो कई बार अगर सेल डिवीजन लगातार चल रहा है प्लांट्स के अंदर, इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्टॉप इट तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइक आपकी अनवॉन्टेड वहाँ से ब्रांच बन रही है, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे ये लिमिटेड ही ग्रो करे, ज़्यादा ग्रो ना करे, अनवांटेड ब्रांच निकल रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे एबीए को आप यूज़ करके इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होता है कि जब एबीए कब ज़्यादा फॉर्म होता है, जब वाटर की कमी होती है तो एबीए का हार्मोन्स वहाँ पे बढ़ जाता है। तो जैसे क्या होता है जब एबीए हार्मोन्स अपना रिलीज होता है तो उस वाटर की स्कैसिटी में ये अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं, और उस केस में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन का 56% तक रुकता है और फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए होता है जो 14% तक रुक जाता है। सिनेसेंस इवन लाइक ये एजिंग को बढ़ा दे, सिनेसेंस का मतलब एजिंग। एजिंग कैसे बढ़ाएगा कि ये क्या करेगा कि क्लोरोफिल, प्रोटीन, आरएनए बहुत सारे प्लांट में इतना सीरियस डैमेज करता है कि उसका जो एबीए होता है वो आपका जो सिनेसेंस होता है वो बढ़ जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर आपका ये पूरा हो गया, जो हमने आज तक हमने ये आपका जितना भी कंटेंट था ये सारा कंटेंट आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी पूरा हुआ, तो कल के लेक्चर में हम इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और फिर हम तैयारी करेंगे ये आपका प्लांट, वेन प्लांट फिजियोलॉजी भी पूरा हुआ, प्लांट फिजियोलॉजी भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमने देखिए रेस्पिरेशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, हमने एंजाइम्स पढ़ा, हमने मिनरल न्यूट्रिशंस पढ़ा, हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा, हमने वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा, हमने इसके अलावा प्लांट ग्रोथ पढ़ा, हमने 6 to 7 मॉड्यूल्स पढ़े हैं इस प्लांट फिजियोलॉजी 1 और 2 में कम्प्लीटली, जो भी आपका कोर्स कंटेंट रिलेटेड कंटेंट था जो मैंने ख़त्म कर दिया अपनी साइड से। आप अपनी साइड से भी ख़त्म कीजिए एज आई वॉन्ट। अब आपके बॉटनी के सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, जो कि आपका फर्स्ट मॉड्यूल के 3 चैप्टर हैं जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। अब हम जो शुरू करेंगे दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका आने आने वाला। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में विद द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।